अस्सलामुअलैकुम। नवंबर का एंड आ चुका है और ये अपडेट है ऑन रोज़ेस की, जो कि हम खाद में ग्रो कर रहे थे ओजडी खाद के अंदर। लास्ट टाइम जो फीडिंग बताई थी, दो एसओपी की डोजेज और एक मस्टर्ड केक विद डीएपी, वो हम इनको दे चुके हैं। पत्ते इनमें पहले से थोड़ा बहुत आना शुरू हो गए थे, अभी ज़्यादा हो गए। तो 10 दिन के अंदर अंदर हमने ये डोजेज तीन को दिए हैं और इसके अलावा इस पर पेस्टिसाइड के स्प्रे किए हैं। तो आज के दिन हम इनको प्रून करेंगे। तो प्रून करने से पहले बात का ख्याल रखें, कम से कम भी 1-1.5 घंटे पहले इनको अच्छा पानी आप दे दें, ठीक ठाक पानी दे दें। मतलब एक गमले में जब नीचे से खूब पानी निकलने लगे, उसके बाद भी एक मग्गा पानी या एक जग पानी और डाल दें, यानी कि फुली सैचुरेट आपकी सॉइल हो 1-1.5 घंटा पहले प्रूनिंग से। तो उसकी सारी जितनी भी स्टेम्स वगैरह हैं, सब के अंदर पानी प्रॉपर आ जाएगा। फिर आप प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग के बाद हमें पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम पानी ज़रा उस वक्त देंगे कि जब सॉइल हमें ड्राई महसूस होगी। प्रूनिंग के बाद क्या एहतियातें करनी है वो मैं आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। प्रूनिंग करने के बाद इसी जगह से, प्रूनिंग एक ज़रा लंबा अमल है, तो वो मैं कैमरा ऑफ करके करूँगा। उसके बाद जो फाइनल शक्ल आ जाएगी रोज़ेस की, वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो इस वक्त अभी आप इनका शेप देख लें। इनको थोड़ी बहुत सपोर्ट भी देनी है, थोड़ी जो है वो बांस की केन्स वगैरह या कोई भी डंडी वगैरह लगा के इनको सीधा भी करना है, ज़रा शेप बेटर हो जाए। और प्रूनिंग करना एक आर्ट है जो कि बार बार प्रैक्टिस से आता है, और हम तो ज़्यादा रोज़ेस ग्रो नहीं करते तो हमें उस आर्ट पर इतना ज़्यादा कमांड नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश मैं करूँगा कि इनको बेहतर तरीके से प्रून कर सकूँ। तो मैं इस प्रून करने के बाद फिर आपको अपडेट देता हूँ। जी जनाब, ये रोज़ेस की प्रूनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अभी वैसे नज़र आ रहा है कि मैंने जज्बात में आके इसको ज़्यादा ही प्रून कर दिया है, लेकिन जो मेरे जहन में सोच थी कि कोई भी बारीक शाख नहीं मैं छोड़ूंगा इस मरतबा। मैंने पिछली मरतबा जब भी रोज़ेस ग्रो किए थे तो डरते हुए प्रून करता था कि कहीं ये रोज़ डाई बैक ना हो जाए, लेकिन इस मरतबा मैंने चांस लिया है। और जो ये सोच है कि हमने इसको पोटाश अच्छा दिया हुआ है, तो उम्मीद है कि ये अच्छा स्प्राउट करेंगे। और क्योंकि शाखें जितनी भी हैं वो बारीक वाली शाखें मैंने काट दी हैं, सारी मोटी मोटी शाखें ये बेजल शूट्स हैं ज़्यादातर, जो तो इनसे अच्छी स्प्राउटिंग होगी और फर्दर ईयर्स के अंदर जो है प्लांट जो है वो बेहतर, उसका शेप बनेगा, स्ट्रॉन्ग प्लांट बनेगा और ब्लूमिंग एक जैसी क्वालिटी की और ज़्यादा होगी। हो सकता है कि इस मरतबा ज़्यादा ब्लूमिंग ना हो, लेकिन ये उम्मीद मेरी है कि ये एक जैसी क्वालिटी की ब्लूमिंग होगी। कोई फूल छोटा या बड़ा या गिरता हुआ नहीं होगा, सारे फूल अपराइट होंगे, ये एक उम्मीद है। और देखते हैं कि तकरीबन 10 से 15 दिन में इसमें कैसी ग्रोथ आती है। अब इसके बाद आपने ये करना है कि इसको पानी का ख़ास ख्याल रखना है। आप प्रूनिंग करने से 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आप इसको पानी दे चुके हैं। अब ये पानी आप उस सूरत में देंगे जब आप इसकी पॉटिंग सॉइल के अंदर आप उंगली डालेंगे, तकरीबन 1 इंच तक अगर आपको नमी महसूस होती है तो आप पानी नहीं देंगे, लेकिन अगर आपको नमी महसूस नहीं होती तो फिर आप पानी देंगे। और मेरा मशवरा है कि प्रूनिंग करने के 3rd दिन आप चेक करें। पहले 2 दिन तो बिल्कुल ही छोड़ दें, कुछ भी नहीं होगा, पानी इसके अंदर ठीक ठाक रहता है। 3rd दिन चेक करें, और 3rd दिन भी वैसे नमी रहती है तो हफ्ते में 1 पानी देना जो है ना वो काफ़ी रहता है। पानी देना इस तरह स्टार्ट करें कि बहुत थोड़ा पानी, जैसे नाप के आप 0.5 लीटर दें एक पहले पौधे को, पूरे उसके ऊपर पूरे गमले के अंदर 0.5 लीटर पानी दें, उसके बाद देखें वो कितना ड्राई हो रहा है। भर के आपने पानी नहीं देना। अच्छा, तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसकी जो ग्रोथ है तकरीबन 1-1 इंच की हो जाएगी। जब 1 इंच की ग्रोथ हो जाएगी तो उसके बाद हम इसकी वाटरिंग स्टार्ट करेंगे, और वाटरिंग के समझें कि 1-2 दिन के बाद से इसकी नेक्स्ट फीडिंग स्टार्ट करना शुरू करेंगे। फीडिंग के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि फीडिंग हम इसको कोशिश करेंगे हाई पोटाश दें और लो नाइट्रोजन और हाई फॉस्फेट दें। हाई फॉस्फेट, हाई पोटाश, लो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में भी कोशिश करेंगे कि हम NPK 20-20-20 इस्तेमाल ना करें फ़िलहाल, और नाइट्रोजन की सोर्स पे हम इसको मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र और DAP दें, यानी अमोनियम सोर्स थोड़ा बहुत दें, क्योंकि अभी मेरे पास नाइट्रेट का सोर्स फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। वरना जो बाज़ार में मिलता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, वो भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अमोनियम बहरहाल फिर भी उसमें आ जाता है,
तो हम DAP यूज़ करेंगे एज अ हाई फॉस्फेट और थोड़ा नाइट्रोजन सोर्स। उसके साथ हम ये यूज़ करेंगे मस्टर्ड केक और एप्सम सॉल्ट हमारा चलेगा। मैं इंशाल्लाह जब ये इसकी स्प्राउटिंग होती है तो एक स्केड्यूल आपको दे देता हूँ। अच्छा, जब आज हमने प्रूनिंग की है तो तकरीबन इसके 2 दिन के बाद हम इस पर एक स्प्रे करेंगे इमीडा क्लोपरेट का, और हर तीसरे या चौथे रोज़ हम इस पर इमीडा क्लोपरेट या फिर कोई भी ऐसी दवा जो कि थ्रिप्स को मारती हो वो हम स्प्रे करेंगे। मेरे पास वक्त लेज़र भी है, डाइमेथोएट जो है मैं वो यूज़ करूँगा, तो अगर वो मिल जाए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ थ्रिप्स को मारती है बल्कि साथ साथ में माइट्स और एफिड्स वो सब के लिए कारगर है। और इमीडा जो है, इमीडा क्लोपरेट जो है वो थ्रिप्स के लिए बहुत अच्छी है लेकिन माइट्स पे उसका असर नहीं है। तो इमीडा क्लोपरेट मिल जाती है, आप वो स्प्रे करें, हर तीसरे या चौथे रोज़ आपको स्प्रे करना है लाजमी। और अगर आपको लेज़र या डाइमेथोएट कोई भी मिलती है तो वो भी आप स्प्रे हर तीसरे या चौथे रोज़ करेंगे। ये स्प्राउटिंग जैसे आज हो गई तो ऐसे मैं आज से तीसरे रोज़ करूँगा, उसके बाद फिर आज के उसमें छठे रोज़ पे करूँगा, इस तरीके से मैं स्प्रे करना है। और जब तक हमारी जो स्प्राउट्स हैं तकरीबन 1.5 इंच के हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको स्प्रे को 10 दिन पे ले जाएंगे। तो इनिशियली हमें थोड़े स्प्रे ज़्यादा करने हैं, क्योंकि पहली ग्रोथ पे अगर थ्रिप्स आ गए तो फिर आपकी जितनी भी मेहनत है वो बिल्कुल ज़ाया तो नहीं होती, लेकिन आप कुछ दिन पीछे चले जाते हैं, फिर आप उसको रिवाइव करना पड़ेगा प्लांट को। तो बेहतर ये है कि आप स्प्रे जो है उसको प्रॉपर रखें, हर तीसरे या चौथे रोज़ स्प्रे करें। तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी स्प्राउटिंग हो जाएगी, इंशाल्लाह हो जाए, तो फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ कि क्या इसके साथ करना है, क्या शेड्यूल है फीडिंग वगैरह का। तब तक के लिए इंशाल्लाह शुक्रिया।